हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022 के बारे में। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट था वो बहुत पहले आ चुका है। और अभी तक स्टूडेंट आपको वेट है कि काउंसलिंग की डेट कब आएंगी। अभी देखिए स्टूडेंट, इस बार ही जैसे आपको पता है कि नई ब्रांचेज भी ऐड होंगी स्टूडेंट, इसीलिए ये डिले हो रहा है। और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UBTR, अगर आप वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है कि स्टूडेंट आपको जो विज्ञापन द्वारा यानी समाचार पत्रों में वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और साइट पर यानी UBTR की साइट पर भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी काउंसलिंग कब होगी। स्टूडेंट अभी क्या हो रहा है कि UBTR देखिए नई ब्रांचेस को ऐड कर रहा है, और नई ब्रांचेस को देखिए जब ऐड करते हैं स्टूडेंट तो ये देखना पड़ता है कि किस किस कॉलेज में वो ब्रांच चल सकती है, कहाँ पर स्टूडेंट वो उस ब्रांच में आ सकते हैं, ये सब देखना पड़ता है। तो स्टूडेंट जब भी कोई न्यू ब्रांच बनती है तो स्टूडेंट वहाँ पर देखिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि स्टूडेंट अभी देखिए कोई नई ब्रांच बनेगा UBTR, फिर उसमें देखिए वो सीट रखेंगे कि मानिए कि किसी भी सीट में, मानिए GP नैनीताल में, मानिए कि कोई भी एक ब्रांच इन्होंने लगाई, माने कोई भी ब्रांच जो आजकल देखिए बहुत इमर्जिंग ब्रांच है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, वो नए नए ब्रांचेज आएंगे स्टूडेंट जो कि आपकी टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे, जो न्यू टेक्नोलॉजी से आपके जुड़े होंगे। और बहुत फ़ायदा आपको देखिए आने वाले 3 साल बाद सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इन्हीं फील्ड में मिलेगी। तो स्टूडेंट देखिए, तो नई ब्रांच जब वो बनाएंगे तो वो सबसे पहले डिसाइड करेंगे यहाँ पर कि किस किस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच चलेगी, वहाँ पर कितनी सीट्स होंगी। तो इसलिए स्टूडेंट ये सारा प्रोसीजर लग रहा है कि पहली काउंसलिंग में कितनी सीट होंगी उस ब्रांच में, फिर सेकंड काउंसलिंग में कितनी सीट भरेंगी। तो स्टूडेंट देखिए ये कॉलेज वाइज यहाँ पर ब्रांच डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट सभी कॉलेजेस में सभी ब्रांचेस नहीं होती। जैसे आप मानिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही नहीं है। परंतु अगर आप नरेंद्र नगर में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, वहाँ की जो मेन ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल है, वो नरेंद्र नगर की जो मेन ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल है। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए UBTR देख यहाँ पर अभी टाइम इसलिए लगा रहे, क्योंकि देखिए जो नई ब्रांच है ऐसा तो है ना कि एक या दो नई ब्रांचेस लेके आएंगे, 5-6 देखिए नई ब्रांचेस भी आपके आएंगी। इसका मतलब क्या है, देखिए नई ब्रांचेस के आने का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी, जिन स्टूडेंट्स की ज़्यादा रैंक है उनको भी एडमिशन के इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि देखिए जब ब्रांचेज ज़्यादा हो गई, देखिए स्टूडेंट जब ब्रांचेज ज़्यादा हो गई, जब ब्रांचेस आपकी ज़्यादा हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, आपकी सीट भी ज़्यादा होंगी, सीट ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट को, ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। तो जिनकी 3-4-5 हज़ार रैंक भी है उन स्टूडेंट को भी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि नई ब्रांचेज भी आ रही हैं उनमें भी सीट होंगी, और जो पुराने ब्रांचेज चली आ रही हैं उनमें तो पहले से ही सीट हैं। तो ज़्यादा रैंक भी जिन स्टूडेंट की, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी आसानी से क्या मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है स्टूडेंट। अभी आप लोगों को देखिए बहुत आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पॉलिटेक्निक का बता दीजिए, पॉलिटेक्निक का बता दीजिए, काउंसलिंग आई है नहीं आई है। स्टूडेंट देखिए अभी कोई काउंसलिंग नहीं हुई है, तो सबसे मेन बात है काउंसलिंग की अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और जैसे ही काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन आएगी तो स्टूडेंट आपको UBTR की साइट पर आपको लिंक अपने आप आ जाएगा, और समाचार पत्रों के माध्यम से भी यानी जो न्यूज़पेपर है उनमें भी ये खबर आ जाएगी कि कब से कब तक आपकी काउंसलिंग है, काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, और कौन कौन से कॉलेज में आप ब्रांचेस भर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट आपको UBTR की साइट पर मिलेगी। कौन कौन सी नई ब्रांचेज जुड़ी हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको UBTR की साइट पर मिलेगी। तो स्टूडेंट देखिए मैंने इसके आपके फ़ायदे भी बताए कि नई ब्रांचेज जो ऐड हो रही हैं उनके देखिए फ़ायदे भी हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जिनकी ज़्यादा रैंक होगी, जिनकी देखिए ज़्यादा रैंक है तो उनको भी देखिए उनको भी ज़्यादा चांसेस हैं, उनके भी स्टूडेंट देखिए ज़्यादा चांसेस हैं एडमिशन के, चांसेस क्या उनको मिली जाएगी सीट, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीट हो जाएंगी तो उनको सीट आसानी से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ये भी देखना है कि अभी किस कॉलेज में देखिए अभी व्यवस्था है, क्योंकि कॉलेज में देखिए व्यवस्था भी होनी चाहिए, हम ब्रांच तो बढ़ा दें पर वहाँ पर टीचर ही ना हो, तो उन सभी की चीज़ों का अरेंजमेंट वगैरह देखने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर UBTR को सब ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि कोई भी देखिए डिसीजन लेंगे UBTR तो वो देखिए बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी होगा, क्योंकि स्टूडेंट देखिए एक या दो दिन में वो डिसीज़न नहीं ले सकते, उनको टाइम चाहिए
एनालिसिस करने के लिए कि कहाँ पे कौन सी ब्रांच चलेगी और कहाँ से वो टीचर्स आएंगे, कहाँ पर देखिए जगह होगी, क्योंकि कॉलेजेस में स्टूडेंट देखिए जो स्पेस है उसका भी वो है कि किसी कॉलेज में स्पेस है, टीचर नहीं है, टीचर हैं पर स्पेस नहीं है, इस तरीके के भी क्या हैं कॉलेज है। तो सारी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद ही स्टूडेंट देखिए उत्तराखंड पॉलिटेक्निक फैसला लेगा कि काउंसलिंग कब होगी। तो स्टूडेंट आप अभी वेट करिए, क्योंकि स्टूडेंट देखिए अभी वेट करने के अलावा कोई आपके पास उपाय नहीं है, तो आप वेट करिए। और पहली काउंसलिंग में देखिए जिन स्टूडेंट्स की रैंक अच्छी है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ जिन स्टूडेंट की रैंक अच्छी है, रैंक अच्छी होने का मतलब है जिनकी रैंक आप मानिए अंडर 1000 है, उनको एडमिशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और वो भी उनको तभी एडमिशन मिलेगा जब सही तरीके से काउंसलिंग करेंगे। तो सही तरीके से काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से देखिए स्टूडेंट काउंसलिंग करना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पिछली बार ही 5-5, 6-6 सौ रैंक वाले ई ग्रुप में उनको लास्ट काउंसलिंग तक एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि उन्हें काउंसलिंग ही भरनी नहीं है कि किस तरीके से कॉलेज में सीट फिल करते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है, तब तक आप क्या कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट, मैं हमेशा आपको कह रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखिए। डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखने का मतलब है स्टूडेंट, क्योंकि देखिए जब आप काउंसलिंग होगी तो तुरंत तुरंत होगी, यानी आपको एक दिन एडवर्टीजमेंट आएगा उसके 2-3 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 2-3 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, 4-5 दिन तक चलेगी। तो स्टूडेंट अगर जो स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट देखिए सही समय पर जमा करने होंगे, और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो कॉलेज आपको टाइम दे देते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप उसको बनाने के लिए टाइम मांगते हैं तो टाइम भी दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपको टाइम भी दे देंगे स्टूडेंट। तो डॉक्यूमेंट आप अपने कंप्लीट रखिए, यही मेरा आपसे कहना है। और स्टूडेंट वेट करिए, जब तक आप देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं आती अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखिए। स्टूडेंट देखिए आप वेट के अलावा अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा वेट करें स्टूडेंट, कुछ दिनों में लगभग 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर अधिक से अधिक यानी 1 हफ्ते के अंदर आपका क्या आ जाएगा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो वेट करें स्टूडेंट, वेट करेंगे तो अच्छी से अच्छे आपको क्या मिलेंगे रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी आप वेट करें, कोई भी क्वेरी तो कमेंट करें स्टूडेंट, आई होप आपकी क्वेरी जो थी थोड़ी बहुत यहाँ पर सॉल्व हुई होंगी, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। और आप हमें त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करें, कोई भी क्वेरी हो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।